अनंत वक्ता इन दिनों में देखिए सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली में भगवान राम की रथ यात्रा के साथ धन संग्रह मंदिर निर्माण हेतु कार्यक्रम अनूठे तरीके से। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता टीवी। दोस्तों बताते चलें, यह कार्यक्रम समाज सेवी इंजीनियर भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सेक्टर 24 रोहिणी में किया गया। पूरे क्षेत्र में बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई और चंदा एकत्रित किया गया, जिससे भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा सके। बताते हैं भूपेंद्र शर्मा। समाज ने मिलकर ठाना है कि मंदिर हमें अयोध्या में बनाना है और बहुत भव्य रूप से बनाना है। समाज आज देखिए मेरे वार्ड 32 ने कितना बढ़ चढ़कर, ये बहनों को देखेंगे, ये पूरे समाज को देखेंगे, बिना खाए पिए सुबह से 6 से 7 घंटे से पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कोई करेगा ऐसे? बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत आनंदित प्रोग्राम रहा। 6 घंटे पैदल यात्रा, कोई थकान नहीं, सब जयकारा लगाते हुए एकदम युद्ध घोष की तरह आवाज करते हुए चले, और ऐसा आनंद आया जैसे हम लोग बाल्यकाल में अपना जीवन यापन करते थे, खेलते खेलते दूर तक निकल जाते थे। आज पूरा वो 6 घंटे हमने ऐसे व्यतीत किए, तो मैं बस यही बोलूंगा कि उसके आनंद की सीमा नहीं है हमारी। आज भारतवर्ष की जन्मभूमि पे जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे और कहीं ना कहीं हमारे आस्था, हमारे आराध्य श्री राम के लिए आज 492 साल का जो बुरा समय है वो खत्म हो चुका है। और राम सबके है, सब राम के हैं, तो राम मंदिर में सबका सहयोग हो, क्योंकि जिससे वो कह सके वो ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि मंदिर बार बार नहीं बनेगा, ये आस्था का विषय है। हमारे सामने हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उसमें शरीक हो सके, उसमें योगदान दे सके, इसलिए सबकी योगदान अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और हम भगवान को क्या दे सकते हैं, हम तो उनके चरणों में अर्पण कर सकते हैं, ये श्रद्धा के पुष्प है जो उनके मंदिर निर्माण में लगेंगे। और भव्यता के साथ जब मंदिर बनता है तो लोग आएंगे, उनके मन में परिवर्तन होगा, राजा राम की वो स्थापना होगी, राम राज्य की वो भावना पैदा होगी, और देश एक होगा, एकजुट होगा, विकसित होगा और पूरे विश्व में अपना नाम अर्जित करेगा। 400-500 सालों से हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बने, और राम मंदिर के लिए हमारे जो संत महात्मा है उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम राम मंदिर बनाएंगे और बिना सरकार के पैसा लिए हम बनाएंगे, हम सब उसमें समर्पित होंगे। ये दान नहीं है, ये पैसा दान नहीं है, लोगों का समर्पण भाव है ये।